हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें हम पार्ट वन मीन्स हम यहाँ पर अभी पार्ट में डिवाइड करा है इसको, स्टीरियो केमिस्ट्री को, और इसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले स्टीरियो को ही डिस्कस करते हैं कि स्टीरियो मीन्स क्या होता है। तो स्टीरियो मीन्स होता है थ्री डायमेंशनली, कि जो हम किसी की स्टडी कर रहे हैं वो थ्री डायमेंशनली उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या है, स्टीरियो। और किसमें कर रहे हैं हम यहाँ पर, केमिस्ट्री में, तो ये 3D केमिस्ट्री, हम इसको 3D केमिस्ट्री बोल सकते हैं। अब स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, एक सब डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्व क्या होता है, किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम दैट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूल्स एंड देयर मैनिपुलेशन। अब इसमें हम बहुत सारी चीजें स्टडी करेंगे, पहले हम इसके पार्ट्स देखें। तो क्या होता है यहाँ पर, अगर हम पार्ट्स की बात करें, तो ये अगर हम यहाँ कहें कि ये से डिवाइड हो जाता है आइसोमर। आइसोमर को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में। जो फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पर, स्टीरियो आइसोमर। फिर दूसरा है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब इसके भी कितने सारे पार्ट्स हैं, इसके भी पार्ट्स हैं। तो स्टीरियो आइसोमर में हम क्या देखते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। तो ये हो गया कॉन्फिगरेशनल आइसोमर एंड कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। फिर इसके भी पार्ट्स हैं, किसके, यहाँ पर कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर के, वो क्या पार्ट्स हैं यहाँ पर, यहाँ अगर हम देखें इसके तीन पार्ट्स हैं। इसके तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो हैं एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर्स एंड मीजो आइसोमर। अब क्या है, अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल, या कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर के अगर हम पार्ट देखें, तो वो क्या हो जाएंगे, चेंज आइसोमर। दूसरा हो जाएगा पोजीशन आइसोमर यहाँ पर। तीसरा हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर। और फोर्थ हो जाएगा मेटामर्स। एंड फिफ्थ हो जाएगा क्या, टोटोमर्स। ये हो गया। अब इसमें आगे देखें, जो अगर हम बात करें कॉन्फिगरेशन आइसोमर की, तो अगर हम यहाँ बात करें इसकी कॉन्फिगरेशन आइसोमर होते क्या है, तो उसके बात करें इसमें क्या होता है, ये कहना चाहिए कैसे होता है कॉन्फिगरेशन आइसोमर arises due to the rupture of bond। यहाँ पर क्या होता है ना, बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं तब हमें कॉन्फिगरेशन दिखता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कॉन्फिगरेशन आइसोमर arises due to rupture of bond, rupture of the bond। लेकिन जो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर है इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है रोटेशनल, ये कहने चाहिए रोटेशनल से हमें दिख जाता है। अगर हम किसी भी, हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे, तो इसमें अगर हम देखें, अब देखते हैं हम किसमें, कॉन्फर्मेशन में। तो कॉन्फर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पर रोटेशनली पॉसिबिलिटी होती है अक्रॉस द सिग्मा बॉन्ड। यहाँ हम देखें क्या होता है, कॉन्फर्मेशन अराइजेस ड्यू टू द रोटेशनल
पॉसिबिलिटी रोटेशनल पॉसिबिलिटी अक्रॉस द सिग्मा बॉन्ड, अक्रॉस द सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम यहाँ एक कंपाउंड लेकर चलते हैं, अगर हम यहाँ पहले हम बात करते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मर्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन। ये हो गया। जैसे कि अगर हम यहाँ एक देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये क्या है, यहाँ पर CH3, ये हो जाएगा C, ये हो गया, ये डार्वोन हम बना रहे हैं। डार्वोन के हम दोनों कंफर्मर देखेंगे बॉन्ड के रोटेशन से। यहाँ पर ये अबव द प्लेन मिथाइल ग्रुप है, बिलो द प्लेन क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप अटैच है, ये यहाँ पर ईटी, ये ईटी मीन्स इथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, ये हो गया। अगर यहाँ पर और अगर हम इसका दूसरे इसका कंफर्मर बनाए, हमने क्या करा, सिग्मा बॉन्ड से इसे रोटेट कर दिया, तो यहाँ पर इसका कंफर्मर बना देंगे, ये CH3, ये यहाँ पर ये यहाँ पर अबाउट द प्लेन क्या आ गया, ये ग्रुप आ गया, जो ये ग्रुप ओ था, ओ डबल बॉन्ड ओ वाला था, ये ग्रुप अबाउट द प्लेन आ गया, जो मिथाइल ग्रुप था वो बिलो द प्लेन चला गया, यहाँ मिथाइल ग्रुप अबाउ द प्लेन ही है। तो इसका नेम क्या है, इसका नेम है डार्वोन। तो ये कंफर्मेशन का आइसोमर का एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल एक थैलिडोमाइड ड्रग भी होती है, कौन सी, थैलिडोमाइड जो ड्रग होती है, मतलब मेडिसिन होती है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है, किसका, कंफर्मेशनल आइसोमर का। और ये जो है, अब इन दोनों का देखो कितना वो है, ये क्या करता है, ये पेन किलर का काम करती है डार्वोन, जिसमें अबव द प्लेन मिथाइल ग्रुप है और बिलो द प्लेन ये ग्रुप है, तो ये तो प्लेन किलर का काम, पेन किलर का काम करती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कंफर्मेशनल चेंज हो गया, तो ये एंटी कफ एजेंट है, ये क्या है, एंटी कफ एजेंट है। तो ये मतलब दोनों की क्या है, प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्योंकि बोथ हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। किसकी वजह से, एक सिर्फ किसके, एक रोटेशन होने की वजह से, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। किसकी, इसके जो डार्वोन के ग्रुप में, जो डार्वोन में जो ग्रुप प्रेजेंट है, इनकी पोजीशन रोटेशन करने पर इनकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई है। एक तो पेन किलर बन गया, एक तो क्या बन गया, पेन किलर है, और दूसरा क्या है, एंटी कफ एजेंट है, क्या है, एंटी कफ एजेंट है। तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है, ये हो गया। ये तो हमने डिस्कस करा यहाँ पर कॉन्फिगरेशन एंड कंफर्मेशन के बारे में। अब अगर आगे हम देखें किसके बारे में, अब नेक्स्ट जो हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।